आप सभी को नमस्कार। मैं आप सभी को गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आज हम सभी लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पिछले 6 दिन से हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। आज ये मासूम बच्चों की शिक्षा को बाधित हुए हुए लगभग 30 दिन का समय हो गया है। सभी अधिकारियों से, सभी से हमने न्याय की गुहार लगा चुके हैं। हमारी छोटी सी मांग है कि जिन बच्चों ने दाखिला सेक्टर 23 की ब्रांच में कक्षा 6 और 7 के बच्चे हैं लिया है, उनको DDPS सेक्टर 23 की ही ब्रांच में पढ़ाया जाए। लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा अपनी नई ब्रांच जो मधुबन बापू नाम में है, जो जंगल में है और सेक्टर 23 से 12-13 किलोमीटर दूर है, वहां पे भेजने का फैसला लिया जा रहा है और जबरदस्ती ये फैसला थोपा जा रहा है, जबकि वो ब्रांच यूपी बोर्ड से 5वीं क्लास तक मान्यता प्राप्त है, CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है। DDPS की सेक्टर 23 की ब्रांच में इन्होंने 50-60 लोगों का स्टाफ रखा हुआ है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है, सब अधिकारी जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई अधिकारी स्कूल पे कार्रवाई करने की शायद दबाव में या बेबसी में बेचारे हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं। पूरा प्रशासन हमें सपोर्ट कर रहा है और इसी न्याय के लिए आज हम वो हर दरवाजा खटखटा रहे हैं जहां से हम न्याय मिल सकता है। तो आज हम इन बच्चों की न्याय के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो देश की सबसे बड़ी संस्था है जो बच्चों के राइट के लिए काम करती है, और पीएमओ हाउस के लिए दिल्ली कूच कर चुके हैं। DDPS, हाय हाय। DDPS, हाय हाय।